भाई हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे ना जाने से किसी का ये काम नहीं होने वाला, हमारे किसी को ना बुलाने से किसी और के साथ उनकी बोलचाल भी बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपके किसी को ना बुलाने से किसी और के साथ किसी की बोलचाल नहीं बंद होने वाली है, और आपके ना जाने से या आपके छोड़ जाने से किसी का कोई काम नहीं रुकने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये है आपका अपना प्रोग्राम नई उमंग, और मैं हूँ हमेशा की तरह आपकी अपनी दोस्त रंजीत कौर। नई उमंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आपको डेली लाइफ में कुछ ऐसी बातों की जानकारी दी जाए जिनको जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अभी देखिए ना, प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि कई बार हमारे माइंड में ये आता है कि भाई हम नहीं बुलाएंगे तो कोई बोलने नहीं वाला उनके साथ, या फिर ये आ जाता है हमारे दिल में या दिमाग में कि भाई हम नहीं जाएंगे तो उनका कोई काम नहीं रुकने वाला। लेकिन ऐसे ईगो में रह करना आप ही का ही नुकसान होता है, किसी का कोई काम नहीं रुकता है। इवन दैट वो जिंदगी चलाते रहते हैं और उनकी जिंदगी चलती रहती है। इसी से जुड़ी हुई एक खास जानकारी आपको देती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ जिसे शायद आपको कुछ जानने को मिले। भाई एक बार एक गाँव में ढेर सारे मुर्गे होते हैं, इतने सारे मुर्गे होते हैं, और उनमें से एक मुर्गे को उस गाँव के बच्चे काफी ज्यादा तंग करते हैं। वो मुर्गा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है बच्चों से कि उसने ये सोच लेता है कि हाँ भाई आज ना जब ये सोएंगे ना रात को तो सुबह उठकर मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करने वाला, और ना मैं आवाज करूंगा, ना ये उठेंगे और ना ही इनके कोई काम होंगे। ऐसा ही मुर्गा करता है, वो रात को सब सो जाते हैं, सुबह मुर्गा कोई भी आवाज नहीं करता है। लेकिन सुबह जब वो जाता है गांव का चक्कर लगाने के लिए तो वो देखता है कि सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सभी उठे हुए हैं और सबके काम चल रहा है। इसी ईगो में आकर मुर्गा ये सोचता है कि हाँ भाई ये तो बात सच है कि मेरे अंदर घमंड आ गया और मैंने सोचा कि मैं ना आवाज करूंगा, ना ये उठेंगे और ना ही इनके कोई काम होंगे, और ये लेट हो जाएंगे और ये सोते ही रह जाएंगे। लेकिन जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सभी अपने टाइम से उठ गए, सभी अपने टाइम से उठने के बाद अपने कामों पर भी चले गए और किसी का कोई काम नहीं रुका। इसी तरह हमारी जिंदगी भी चलती है, किसी के आने से कोई काम नहीं रुकता है, किसी के जाने से कोई काम नहीं रुकता है, लेकिन हमारी सोच के आगे हमारी बातें जो है ना वो रुक जाती हैं। इसी तरह आपको भी ईगो पे रहकर ऐसी सिचुएशन में ना ऐसी सोच नहीं लानी चाहिए। घमंड हमेशा आपको नीचे ही डाउन करता है, ना कि ऊपर उठाता है। जब आपके अंदर ईगो आ जाती है तो लोग आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं, ना कि आपके पास आने की कोशिश करते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपके बिना किसी का कोई काम नहीं होने वाला, सभी काम हो जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता है। और यही वीडियो में आपको बताया गया है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। नई उमंग प्रोग्राम आज आपको अच्छा लगा होगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए हमारे यस टीवी चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है नई उमंग। कल फिर से मुलाकात होगी एक खास जानकारी के साथ। नमस्कार।